अपना किकर दिखाओ। फोड़ देते हम सकल साले। अरे गाड़ी लेडीज के लिए नहीं है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अरे भैया झोला किसका हो? लोकल पानी बेच रहे हैं, वो भी 20 रुपए में महाराज। सोजा सोजा सोजा। बाथरूम जाने दीजिए इनको महाराज। मर देख के बोलते हैं। नहीं सही है। तो भैया महाराज कैसे हैं आप सब? फिलहाल मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और आज हम जर्नी करेंगे 12394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, आम जनता की राजधानी में, फ्रॉम नई दिल्ली टू पटना। सफर बहुत अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए शुरू करते हैं जर्नी को। बस गाड़ी आने ही वाली है। आ गई अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली से पटना जाने वाली संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट। यहाँ के प्लेटफॉर्म पे भीड़ देख लीजिए, और देख लीजिए सबसे आगे की ओर एसी कोच है। ये जो भीड़ है ये जनरल कोच की ही है, और भीड़ देख लीजिए, लग रहा है पटना जाने वाली कोई दूसरी ट्रेन है ही नहीं, जबकि ठीक उस ओर लगी हुई है पूर्वा एक्सप्रेस। अरे भाई गाड़ी रुकने दे यार। देख लीजिए ट्रेन रुकी भी नहीं है और लोग पहले से ही शुरू हो गए हैं। ये रहा अपना जनरल कोच। अरे भाई अरे पिसा जाएगा भाई। बाप रे बाप। नीचे प्लेटफॉर्म में पूरा भागदड़ मच रहा है गाड़ी में चढ़ने के लिए, जनरल कोच में चढ़ने के लिए। अरे भाई ट्रेन पहले रुकने दे यार। अरे भाई हमें भी जाना है। चलिए। कुछ ऐसी भीड़ रहती है अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की। ये जो गाड़ी बिहार जाए और आपको ये ब्लू वाला ड्राम नजर ना आए तो समझ लीजिए वो गाड़ी बिहार में जा रही है। ये ब्लू वाला ड्राम भैया कंपलसरी है। अरे आप बात कर खिड़की खोल गए। खोल रहे। अरे भाई खिड़की गाड़ी का शीशा फोड़ी है क्या? लोग गाड़ी में जाने के इतने मजबूर है कि आपातकालीन खिड़की सहारा लेना पड़ रहा है। अरे भैया बाहर से ठेलिए, बाहर से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ए दीदी ठेलिए ना बाहर से, ठेलिए बाहर से, चलिए अंदर, चलिए घुसिए अंदर, मेरा सबको जाना है। अरे भैया गेटवा खोल दीजिए महाराज, देखिए अंदर खाली है, एक आदमी हो जाएगा एडजस्ट। अरे खोल दीजिए, हो जाएगा ऐसे। अरे महाराज मानवता ग्राम पर खोल दीजिए ना। हो फिर क्या कहा लगा लिया, खोलिए इसको। झोला लेकर दुका बाल्टी लेकर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे। अरे आदमी चला गया भैया, खोल दीजिए महाराज गेट। हो भैया महाराज खिड़की खोलता। अरे खोल दिया ना खिड़की। हो कैसो दिक्कत सिक्कत। अरे खोल दिया ना खिड़की खोल दीजिए। फोड़ देते हम सकल साले। अरे खोल दिया ना भैया, इतना आदमी जा रहा है, एक आदमी नहीं जा पाएगा, खोलिए ना। अरे भैया पूरा पैक है, गेटवे पूरा जाम हो चुका है। अरे देखिए बीच पूरा खाली है, खाली गेटवे के पास जाम है। अंदर लगभग खाली ही है, मतलब एक आदमी आराम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग गेट जाम कर रखा है, और आपातकालीन खिड़की जो वो भी नहीं खोल रहा है। देख लीजिए इस गाड़ी में इतनी गर्दी है कि मतलब एक दीदी बेहोश हो गई। ये गाड़ी लेडीज के लिए नहीं है, खासकर जनरल कोच। हाँ होली से पहले या दीपावली से पहले या छठ से पहले आपको दिल्ली से बिहार जाना है तो ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं, हम भी इस गाड़ी के अंदर आ नहीं पाए। तो भैया फाइनली हम भी इस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और गाड़ी का अंदर का कंडीशन कुछ ऐसा है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का अंदर का सीन, जनरल कोच के अंदर का सीन देख लीजिए। ट्रेन भैया पूरा फुल हो चुका है। इसी तरह देख लीजिए आपातकालीन खिड़की का सहारा लिया जा रहा है। बाकी ये बीमल का झोला भी दोस्तों कंपलसरी है। अरे भैया, अरे महाराज आइए, देख लीजिए कितना मुशक्कत करना पड़ता है ट्रेन के अंदर आने के लिए। आइए महाराज आइए, स्पाइडरमैन आइए, हो देसी स्पाइडरमैन आइए जल्दी। आवा भैया आवा ना महाराज। आइए। अरे आइए पकड़िए महाराज, अपने देसी स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं। देखिए पुरुष तो पुरुष, महिला भी मतलब भीड़ भाड़ का शिकार हो रहे हैं।
अरे भैया ये झोला किसका है महाराज? अरे किसका ये आपा ही झोला है? अरे भैया झोला किसका है? मुझे किसका झोला है? ट्रैफिक है उधर। हाँ भैया महाराज, लोगों का चढ़ने का ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक के बाल्टी ड्राम सब आ गया है। काला बाल्टी, व्हाइट बाल्टी और वो ब्लू कलर ड्राम से नीचे होगा। तो भैया किसी तरह हम आ गए ट्रेन के अंदर, और देखिए कितना अच्छा किस्मत है, एक भाई साहब मतलब किसी को चढ़ाने आए थे और फिर वो उठ गए और हम बैठ गए, हम भी बैठ गए और ऋषि भैया भी बैठ गए। किस्मत थोड़ा साथ दे दिया, बाकी गाड़ी में भीड़ आप दे सकते हैं, अभी भी पूरा मतलब मारा मारी ट्रेनों के अंदर चल रहा है। और लगी हुई है नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस। हम के 5:30 बज चुके हैं और हमारी आम जनता की राजधानी, गरीबों की राजधानी जो भी बोलिए, संपूर्ण क्रांति निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना के लिए। और कल सुबह 6:30 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी पटना, यानी 12-13 घंटे में गाड़ी बिहार से पटना पहुंच जाती है। इसलिए इस गाड़ी में चढ़ने वाले के लिए मतलब पूरा मारमारी होता है, और बहुत सारे लोग पटना में रहते हैं या फिर मुजफ्फरपुर या जहाँ भी जाते हैं। रात भर का सफर रहता है और रात भर काटने के बाद समझ लीजिए आदमी दिल्ली से बिहार में रहता है। लीजिए पूर्वा एक्सप्रेस भी पूरा पैक है, ऐसा नहीं, पूर्वा एक्सप्रेस ये गाड़ी भी पूरा पैक है। अभी फिलहाल दिल्ली से बिहार जाने वाली हर गाड़ी आपको पैक मिलेगी। बाय बाय देश की राजधानी दिल्ली। हो भैया बाकी दोस्तों 12-13 घंटे की ओवरनाइट की ये जर्नी है संपूर्ण क्रांति की, एंजॉय कीजिए। और प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है कि लेडीज़ बेचारे भी इतनी गाड़ी भीड़ की बेहोश हो गई थी। और अच्छा इस गाड़ी में जानते हैं एक और चीज़ होता है, कुछ लफंगे लोग 15-16-20 लोग चढ़ते हैं इस गाड़ी के जनरल कोच में और सीट पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ लोगों से पैसा लेकर वो सीट दान दे देते हैं। तो ऐसा कुछ भी ड्रामा होता है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे संपूर्ण क्रांति या दिल्ली से बिहार जाने वाली किसी भी ट्रेनों में। और आपको पता ही है ये गाड़ी नई दिल्ली से चलने के बाद सीधा रुकती है 440 किलोमीटर बाद कानपुर सेंट्रल, और फिलहाल हमारी ये आम जनता की राजधानी यमुना ब्रिज को पार कर रही है, जिससे इतना गंद आ रहा है ना मत पूछिए, पूरा मतलब पार कर गए यमुना ब्रिज को। यदि आप इस गाड़ी से नई दिल्ली से पटना जाइएगा इस भीड़ भाड़ वाली जनरल कोच में, इस भीड़ भाड़ में जाइएगा तो आपको देने होंगे मात्र 300 रुपये। वहीं जाइएगा स्लीपर कोच में तो उसका किराया है 520। थर्ड एसी इकोनॉमी भी मौजूद है जिसका किराया है 1270। थर्ड एसी नॉर्मल थर्ड एसी का है 1370। सेकंड एसी का है 1940। और फर्स्ट क्लास भी मौजूद है जिसका किराया पड़ जाएगा 3300 के आसपास है। अलग से पेंट्री कार भी है महाराज जी। लेकिन देख लीजिए वॉशरूम जाने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ऐसी भीड़ भाड़ में अगर सफ़र करना है ना तो खाना भी कम खाना होगा और पानी भी कम पीना होगा, बोतल फेंकिएगा मत काम आएगा। ये नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का जनरल कोच का कंडीशन देख सकते हैं, पूरा मतलब गर्दी मचा हुआ है, थोड़ा सा पाँव रखने का भी जगह नहीं है। न हो तिलकधारी। आज है 2 मार्च और 8 तारीख को होली है, यानी लगभग 5-6 दिन रह गए हैं इस गाड़ी को मतलब होली को आने में। और होली से पहले टिकट मिलना, कंफर्म टिकट मिलना समझ लिए भगवान मिलने के बराबर है। भाई का देखिए संपूर्ण क्रांति के फर्स्ट क्लास में टिकट था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ और जा रहे जनरल कोच में। यानी बहुत सारे अपने भाई बहन इस गाड़ी में ऐसे हैं जिनको मतलब मजबूरी में जनरल कोच में आना पड़ा है, पैसा सबके पास है स्लीपर एसी का लेकिन टिकट कन्फर्म भी होना चाहिए ना। इस भाई को देखिए, इस भाई का मेरारो इनको बुलाया गया है, मजबूरी में जा रहे हैं, ये बाप बनने वाले हैं। चाची आराम से किसी का मुंह पे लात मत रख दीजिएगा। अब दोस्तों इस गाड़ी के वॉशरूम में भी बहुत सारे लोग फर्स्ट क्लास के कूप बनाकर बैठे हुए हैं, क्या कीजिएगा पूरा गाड़ी का कंडीशन खराब है। ओ महाराज बोलो। हमें तो लगा कि कोई भी कैटरिंग स्टाफ इस जनरल कोच में नहीं आ पाएगा लेकिन आप तो आ गए महाराज। और देखिए इस आम जनता की राजधानी में लोकल पानी बेचा जा रहा है, नैन्सी एक्वा। हाँ महाराज रेल नीर चाहिए, रेल नीर नहीं देंगे, रेल नीर लाइए। लोकल पानी बेच रहे हैं वो भी 20 रुपए में महाराज, ठीक है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भाड़ में पानी बेच रहे हैं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रेल नीर बेचिए, आप लोकल पानी क्या बेच रहे हैं? और भैया महाराज कौन गलत बोल रहे हैं, कानपुर में रेल नीर पानी मिलेगा, बैठिए आराम से बर्दाश्त कीजिए। नहीं कानपुर में कहा है गाड़ी चल रहा है, आपको जाना है तो पेंटी के चले जाइए। नहीं नहीं गाड़ी चल समझे, आपको जाना जा सकते हो। नहीं नहीं हमको जाना नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि गाड़ी कानपुर में मिलेगा रेल नीर पानी कहे तो पेंट्री में रेल नीर भी तो होगा ना, पेंटिंग यहाँ नहीं है 10 बोगी आगे भैया, पेंट आप तो पेंट्री से आ रहे हैं ना, तो 10 बोगी आगे तो रेल नीर कहे ले लिया, टाइम लगेगा 11 बजे। नहीं नहीं तो आप रेल नीर कहे नहीं ले लिए वहीं से, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 पेटी लोकल पानी रखा हुआ है इन्हीं लोगों का है। यहाँ तो अपने फैमिली के मेंबर बहुत से, क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ? तब से सुत्तल थे महाराज,
अरे हम अरे हम कहाँ रोके, हम किसी को रोकने वाले को आम जनता की राजधानी में बिक रहा है लोकल पानी। रेलवे तो बड़ा बड़ा बातें बोलते हैं, ये केवल रेल नहीं लीजिए रेलवे में, और यहाँ बिक रहा है कौन कंपनी हो ने? लोकल पानी बेचने में ना मार्जिन बहुत ज्यादा है, और अपने फायदे के चक्कर में ये लोग पैसेंजर के हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं। पर्सनल है, हे महाराज पर्सनल पानी बेचते हैं हो? पानी मिल रहा है इतना भीड़ में, पूछे की तो लोगवा रहेगा तब ना पानी पिएगा, कौन सा एहसान कर रहे हैं? पैसेंजर क्या चल रहा है कि हाँ हमको पानी मिलेगा तभी हम जाएंगे? हाँ ऐसा मत पीजिए, नहीं आपको बेचने नहीं देंगे लोकल पानी, हम नहीं बेचेंगे। अरे नहीं बेचेंगे है कि आप लोकल पानी बेच रहे हैं ना, आप रेल नहीं बेचिए। हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है आप अगर चढ़ा लेते हैं आप एक पेटी कंपनी को बेचेंगे ना तो पेट नहीं भरेगा, ठीक है आप एक सुनिए ना अच्छा अभी सुनिए भैया सुनिए ना, आप एक पेटी रेल भी लेके आइए, ठीक है ना, जो रेल मांगे पेटी नहीं दो पेटी, हाँ तो जो रेल मांगेगा ना उसको आप रेल दीजिए ना। ना मेरा अपने हम खुद महाराज हैं, हम अपने महाराज हैं, लोग प्यार स्वामी को महाराज बोलता है, पेटला है पेटला। हाँ नहीं मेरा सिक्स पैक है, कुछ बोलिए ना महाराज, ये आपको पैसा नाम क्या लो आपका नाम क्या ले लो 500 रुपया पैसा। सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि गाड़ी में पूरा गर्दी मचा हुआ है, लेकिन फिर भी कैटरिंग स्टाफ को सैल्यूट है जो इस गाड़ी में खाना खाने पीने का सामान सर्व कर रहे हैं। गाड़ी में इतनी भीड़ है कि जो माँ बहन समान महिलाएं हैं उनको वॉशरूम जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग तो यहीं गेट के पास ही बैठे हुए हैं बाथरूम के पास। थोड़ा सा आप लोग हट जाया कीजिए अगर कोई महिलाएँ जाए कि आप तो हंसते हैं खाली महाराज, तो गलत बात बोल रहे हैं, कान में लगा लिए हैं पूरा बात कर रहे हैं, ये भी मतलब एक के बार सब लाइन लगा दिया है, कोई नहीं उतरेगा कानपुर और कोई नहीं उतरेगा DDU, सब पटना उतरेगा। पिता कितना कष्ट करता है, एक पिता ही समझ सकता है बच्चों की मजबूरी, बड़ा होकर ही भूल जाएगा, बड़ा होकर ये भूल जाएगा कैसे अब हमारे जो पिताजी थे वो रात भर अपना पैर वहाँ रख कर पैरों पर सुलाए हुए थे मुझे, गलत बोल रहे हैं है कि नहीं? हाँ इनको आराम देने के लिए देखिए आप कष्ट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जो बच्चे बोलते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया, वो बच्चे भूल जाते हैं कि जनरल कोच में ऐसी भीड़ भाड़ में एक पिताजी अपनी बच्ची को मासूम से बच्ची भी इस भीड़ भाड़ में फंस गई है। सो जा। वेलकम टू कानपुर सेंट्रल हो महाराज, स्वागत है आपका महाराज कानपुर सेंट्रल पे। आज नई दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है हमारी संपूर्ण क्रांति और पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। यहां इसका आने का टाइम था रात 10:20 पर, लेकिन आई है 11:40 में, यानी 1 घंटे 20 मिनट लेट। और यहां भी देख लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पटना जाएगी, पटना संपूर्ण क्रांति है, कल सुबह 7 बजे के आसपास पटना पहुँच जाएंगे। गाड़ी दिल्ली के आसपास ही 1 घंटे लेट हो गई थी, दूसरा गाड़ी से आइए महाराज। समोसा खाना है तो आपको यहाँ समोसा मिल जाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी उस ओर देख लीजिए, गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। भैया भी परेशान है, इनको जाना है DDU से फिर रांची ना। अब कहा हुआ हो बाबा, अरे बाथरूम जाने दीजिए इनको महाराज, बूढ़ बुजुर्ग है, कम से कम इनके लिए रास्ता खाली कर दीजिए। अच्छा अरे कम से कम भाई खाली खड़ा हो जाओ भाई, वहाँ से खड़ा हो जाओ, कम से कम जाने दो। हालांकि बाबा तो अपने स्पाइडर मैन है, वो बात की बात है, बाबा अपने बाहुबली है। तू मैं फिर से चालू हो गया यार, के तू कर रहा है की हो रहा है, के तुरा कह तू 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 के कह के छे तू 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 मैं कर रहा कैच की हमारा कहो तो क्या बोल ले ठेले जा रहा है कौड़िया से कहले जा रहा है। श्रमजीवी को पीछे छोड़ चुकी है हमारी ये संपूर्ण क्रांति। ए मौसी की समाचार? ठीक तू बता ठीक है? अरे हम तो बिंदास से मौसी, बस खुश रहो, आपका आशीर्वाद है बस। बिल्कुल बिल्कुल जाते सुंदर बहू आ जाए। अरे जल्दी आ जाए महाराज, टोपी वाला एगो खोद दीजिए। आप बहुत ही अच्छा लगती है, किसी को सारी मत बनिए। वो ये बहुत ठीक लगता है हमसे, इसीलिए हाँ ये था उम्र देख के बोलते हैं ना। सही है।
टिकट दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ ना, हमारा पीछे भी वो आंक रहा था। भैया 35 साल से नौकरी है, अनुभव है। 750 रुपया दो। अरे हमको टिकट दे, यहाँ तो दिखाओ ना पहले। संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट में मतलब टीटी है, ये प्रूफ है। अरे इनके पास आई कार्ड तो है, आई कार्ड दिखाइए। तुमको सुनो, 750 रुपया बनाइए, अच्छा से बनाइए। नहीं नहीं, 300 किराया, 250 मिनिमम फाइन। 500 ले रहा भैया, नहीं नहीं हाँ ये सही। पहुँच गए भैया, पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, बिहार की राजधानी, जय हो महाराज, पटना जंक्शन। वेलकम टू पटना जंक्शन, आ गया पटना जंक्शन, फाइनल डेस्टिनेशन हो महाराज। अरे पहुंच गए भैया, पहुंच गए पटना जंक्शन। इसका यहां आने टाइम था सुबह 6:30 बजे, आई है 9 बजे, 2.5 घंटे लेट। गाड़ी में तो देखा ही आपने रात भर क्या हुआ है, लोगों में अलग ही गर्मी थी गाड़ी के अंदर, और सीटी का देखे थे बर्ताव, पैसेंजर किस तरह से मतलब बिहेव कर रहे थे। यही थी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। उम्मीद करता हूँ ये सफर आपको आया होगा, पसंद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, रन ऑन ट्रैक की आईडी है। बाकी दीजिए इजाज़त, फिलहाल जो हम बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बिहार आ रहे हैं, ये चल रहा अभी हमारा होली स्पेशल। उम्मीद करता हूँ आपको ये होली स्पेशल ट्रेन जर्नी आ रही होगी पसंद। चलिए जय हिंद।